हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हमने आलू का स्नैक बनाया है। ये देखिए, आलू और मैदा से और पोहा से इन सबको हमने मिला के देखिए नाश्ता हमने तैयार कर दिया। टिफिन के लिए नाश्ता बनाया। आप किसी वक्त इसे बना करके खा सकते हो। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही टेस्टी आता है। पहले आपको बताते हैं किस तरह बनाया जाता है टिफिन के लिए आलू का नाश्ता। बने रहिए पूजा ब्लॉग्स में। देखिए, टिफिन के लिए हम बना रहे हैं। देखिए, हमने चार आलू उबाल के ले लिए। इन्हें अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे ताकि थोड़ा भी गुठली इसमें ना रहे। और इसमें डालने के लिए हमने प्याज और मिर्ची को कट करके ले लिया है। हमने एक मिर्ची लिया और एक प्याज। और यहाँ पे देखिए, हमने ले लिया है मैदा। ये देखिए, हमने आधी कटोरी मैदा ले लिया है। आप अपने हिसाब से ले सकते हो, तुम ज़्यादा जैसा बना रहे हो। यहाँ पे देखिए, हमने पोहा ले लिया है। ये देखिए, आप इसमें मैदा की जगह आप आटा भी ले सकते हो। चलिए, इन्हें हम बनाते हैं। ये देखिए, इसे मैश कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए, जल्दी से मैश भी हो जाएगा क्योंकि अच्छे से ये हो गया है। थोड़ा हल्का सा गर्म रहे तभी आप इसे मैश करेंगे तो अच्छे से ये मैश हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, इसमें हम डाल देते हैं मिर्ची और प्याज। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जितना। अब इसमें डाल देते हैं पोहा। ये देखिए, इस तरह से आप चाहे इसका पाउडर भी बना के आप डाल सकते हो पोहा का। इसमें मैदा भी डाल देते हैं। देखिए, इसमें मसाले डाल देते हैं। हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे चुटकी भर, थोड़ा धनिया पाउडर और लाल मिर्चा पाउडर डालेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, इस तरह से हमें ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डालने हैं। देखिए, ये हो गया। इसमें स्वाद हिसाब से नमक डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह अब इन सबको मिला लेते हैं हम। ये देखिए, ये हो गया हमारा तैयार। अगर आपको थोड़ा सा गीला लगे तो आप इसमें आटा डाल दीजिएगा। देखिए, हो गया। चलिए, इन्हें हम बनाते हैं। ये देखिए, इस पर थोड़ा सा आटा लगा लेंगे हम ताकि हमारा चिपके ना। ये देखिए, इस तरह से ले लेंगे हम। ये देखिए, इस तरह से बना लेंगे हम स्टिक के जैसा। ये देखिए, इतना ही मोटा रखना है हमें, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, ये हो गया। अब इसे कट कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमने बना लिया है। अब अपने हिसाब से शेप दे सकते हो। ये देखिए, चलिए इन्हें हम तेल में फ्राई करते हैं। देखिए, तेल गरम हो गया। हम एक एक करके सभी को इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, और बहुत जल्दी से हो जाता है, बच्चों को भी पसंद आता है। देखिए, इस तरह सभी को हम डाल देते हैं इसमें। ये देखिए, मीडियम आंच पे हम इसे फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। दोनों तरफ से सेक लेंगे हम इस तरह चलाते हुए। ये देखिए, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा जिससे हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। ये देखिए, ये हो गया है। इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, कितना अच्छा, इस पर कितना सुंदर इस पर कलर भी आया है। ये देखिए, आपको पास से दिखा रहे हैं। सभी को हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए, हमारा स्नैक हो गया है तैयार। इस तरह से आप भी बनाएंगे, आपको बहुत अच्छा बनता है और उतना ही क्रिस्पी भी रहता है ये। एकदम अच्छा लगता है खाने में भी। आप किसी वक्त इसे बना करके आप खा सकते हो। हम टिफिन के लिए बनाए हैं, आप किसी वक्त इसे बनाइए और खाइए। और झटपट से बन भी जाता है बिना झंझट का। ये देखिए, ये हो गया हमारा अच्छे से। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।